हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे इस कीबोर्ड को यूज करके ऑक्टापैड बनाते हैं। ये कीबोर्ड जो एक पुराना कीबोर्ड है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टूट गया है, बहुत कुछ स्विच वगैरह ये निकल चुका है, ठीक है, ये टूट गया है यहाँ पर। तो ये जो एक पुराना कीबोर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका जो सर्किट है ये अच्छा है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही देख लेना पड़ेगा, किसी से ही मांग लेना, आपको फ्री में दे देगा, ठीक है। आपका अगर कोई दोस्त वगैरह होगा तो दे देगा फ्री में, ठीक है, और नहीं तो आपके पास है तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, और इससे मैं तो सर्किट को बनाऊंगा, और पिछले वीडियो पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इस ऑक्टा पैड को बनाते हैं, ठीक है, ये आठ जो पैड है, इस पैड को कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसके मदद से ये तो हम बजाएंगे ना, ऐसे करके बजाएंगे ना। तो आप देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, और नहीं तो मैं अबाउट पे दे दूंगा, मतलब आई बटन पे आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक इसका, तो आप जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले सर्किट को बनाना चालू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड जो है एकदम खुल चुका है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही खुल के रखा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा ना, और हमें ज़रूरत पड़ेगा जो इस सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सर्किट देख सकते हैं कैसे लगा है, ठीक है, आप भी ऐसे देख लेना किस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको खोल लेता हूँ अभी, रुकिए मैं खोल लिया, इसको देख सकते हैं मैं खोल लिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको रख दिया, और यहाँ पर जो है इस पेपर को हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको लेने के बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तीन लेयर है, ठीक है, ये तीन पेपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को अलग कर देना पड़ेगा, सबसे अच्छा होगा अलग कर दो, यार अच्छा होगा यहाँ पर थोड़ा अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसको अलग कर दिया हूँ इससे, तो मैं इसको साइड पर रख देता हूँ। ये ऊपर वाला जो रहेगा इसको आप साइड पर रख देना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खाली खाली है, इसको भी आप यहाँ पर इसको भी ऐसे करके इसको निकल दो, ठीक है। तो ये निकल गया, इसको भी हम फेंक देंगे फ्रेंड्स। हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, हमें देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो एक जो कार्बन का वायर बना रहा है ना, मतलब कार्बन का जो वायरिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वायर शॉर्ट है, ठीक है। तो इसका नीचे ये लेयर रहता है, ये लेयर कुछ ऐसे रहता है इसके ऊपर, ठीक है, और बीच में एक लेयर रहता है जिसको मैं फेंक दिया। तो ये क्या होता है कि अब जब की को प्रेस करते हो ना, यहाँ पर जो कीबोर्ड पे की को प्रेस करते हो, तभी क्या होता है कि ये दोनों जो वायर है आपस में टच हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट होके एक लेटर आ जाता है, जैसे कि ए बी, आप जो भी टाइप करोगे वो ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके ये काम करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक कॉमन वायर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्टापैड के लिए हमें आठ वायर को, आठ मतलब जिसपे आठ शॉर्ट है, वैसा एक वायर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आठ होना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो वायर है ये आठ जगह टच हुआ है। तो आप भी एक पुराना आपका कीबोर्ड से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप देख लेना, मेरा जैसा ही करना, ठीक है। किसी का वीडियो देख के पूरा उसका जैसा ही सर्किट अगर आप कनेक्शन करोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हर सर्किट अलग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा पिन में ये शॉर्ट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं तो इस वायर को ही ले रहा हूँ, तो आप ऐसा करके कुछ भी वायर को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप अगर यहाँ पर देखोगे तो कीबोर्ड पे ये कुछ ऐसा लगा रहता है, तो अगर कुछ ऐसा लगा रहता है तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रेंड्स, हमें अल्फ़ाबेट का कुछ की लेना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट का, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसा कुछ करके कुछ भी लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ऐसा लगा रहता है तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टच कर रहा है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाई पर टच कर रहा है, वाई टी वगैरह, वाई टी डी एफ, ऐसा करके एस, ऐसा करके ये टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको ऐसा ही कुछ एक लाइन को लेना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ इस साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमें इस लाइन को ढूंढना पड़ेगा कि यह कहाँ जाके ये कहाँ पर मिला है, ठीक है। तो मैं इसको भी देखता हूँ, यहाँ पर आया ही है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाके यहाँ पर आया, दो नंबर ले लिया, ठीक है, ये दो नंबर जा रहा है, यहाँ दो नंबर ले लिया, दो नंबर जा रहा है, ये नीचे हो गया, ठीक है, यहाँ पर नीचे हो गया, और यहाँ से जाके दो नंबर पे जाके ये आप देख सकते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, रुको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो नंबर लेके यहाँ पर दो नंबर पे मिल गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्किट को भी ले लेता हूँ। तो सर्किट को देख के आप जैसा हो सकता है तो ये ऐसा कुछ लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसा लगा रहता है हमारा सर्किट पे, दूसरा सर्किट पे ना, मतलब बाकी का की है। ठीक है, तो हमारा ये सर्किट जो है इस पर सब कम वायर रहता है क्योंकि इसको ही शॉर्ट करके होता है, तो ये कॉमन वायर रहता है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी वायर है ये कॉमन वायर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लगा रहता है, ये कुछ उल्टा लगा रहता है, तो इसलिए ये इस साइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस साइड होता है। तो ये जो तीन वायर है ना, इस तीन वायर से हमारे ये तो दो नंबर का ले लिया, ये दो नंबर का। तो दो नंबर यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ये दो नंबर ये हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको घिस लेना पड़ेगा थोड़ा, कुछ भी चीज़ से आप घिस लेना थोड़ा, फिर शोल्डर करोगे तो शोल्डर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा वायर शोल्डर करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर शोल्डर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा वायर ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये शोल्डर पकड़ ले। तो ये कुछ ऐसा हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ये दो नंबर पे वायर शोल्डर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो नंबर पे मैं कर रहा हूँ शोल्डर, तो ये हो गया फ्रेंड्स। ये जो वायर मैंने शोल्डर किया तो यही वायर हमारा होगा जो जो ड्रम के लिए, मतलब जो लाठी का यूज़ करेंगे ना, मतलब जो होता है ना पैड बजाने के लिए लाठी का, तो वो लाठी, दोनों लाठी का ही कनेक्शन ये होगा। ठीक है, ये दोनों होगा क्योंकि ये कॉमन वायर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स हमारा, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ोन लेना पड़ेगा और एक OTG केबल लेना पड़ेगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक मोबाइल लेना पड़ेगा और मोबाइल पे यहाँ पर इसको एक ऐसे OTG केबल लगाना पड़ेगा। ये OTG केबल मैंने घर पे बनाया हूँ। ठीक है, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया था चैनल पर, लेकिन एक प्रॉब्लम से डिलीट हो गया। तो आप अगर आप कॉमेंट करते हो तो मैं ज़रूर इसको बना दूंगा। ठीक है, तो आप कॉमेंट कर दीजिए जल्दी से अगर आपको ज़रूरत है इसका। ठीक है, यह फ्री में बन जाता है घर में, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये OTG केबल को मैंने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग पर जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोन पे सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमें एडिशनल सेटिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अरे यार क्या क्लिक हो गया। तो एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं OTG कनेक्शन लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये OTG कनेक्शन ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रुको मैं अभी थोड़ा जूम करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो है, ये सर्किट से जो आ रहा है वायर, मतलब जो हमारा कीबोर्ड का है, कीबोर्ड का वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आ गया, तो एक नोटिफिकेशन आपको भी ऐसा आएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा, कीप नोट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फ़ोन पर ऐसा रहेगा, तो आपको कीप्स नोट पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डर चला के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हो रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो जिस वायर को मैंने सोल्डर किया था, ड्रम का जो वायर है लट्ठी का, ठीक है, जो कॉमन वायर है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मतलब लगा के दिखाऊँगा कि कौन से वायर में, कौन से पिन में क्या आ रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ अल्फाबेट लेना है। ठीक है, तो मैं इसके पर, यहाँ पर मेरा फ़ोन चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नोट पैड चल रहा है और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि पहले वायर में क्या दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर इसका चला देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टी निकल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक पेपर लेना पड़ेगा और पेपर पे आपको टी लिखना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाला पिन पे ये आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, टी इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, ये मैं लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू 1, एक नंबर पिन टू टी एक नंबर पिन से निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम दूसरा वायर पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या निकल रहा है, ये एफ निकल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एफ, तो एफ इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं हम। हाँ, मतलब दो नंबर से तो हमारा एफ निकल रहा है। तो तीन नंबर पे क्या निकल रहा है देखता हूँ फ्रेंड्स, जी निकल रहा है। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 3 नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर हो गया जी इज इक्वल टू। और फ्रेंड्स मैं 14 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो डी आ रहा है, डी, तो डी इज इक्वल टू 4, 14 नंबर पे हमारा आ रहा है। फिर मैं 5वें नंबर पे मैं लगाता हूँ तो सी आ रहा है, तो सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं 5 या 6 नंबर पे लगाता हूँ तो 6 नंबर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं
अगर मैं 7 नंबर पे लगाता हूँ तो आ रहा है क्या, भी आ रहा है, तो भी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा, तो हमारा 6 हो गया, 6 पिन से हमें निकल गया। तो मैं अभी क्या करूँगा, और 2 ले लूँगा, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या निकल रहा है, X निकल रहा है। तो ये हमारा कितना नंबर पिन है, 3, 8, 6, 7, 8, तो 8 नंबर पिन पे क्या निकल रहा है, 8 नंबर पिन पे X निकल रहा है, ठीक है। तो X इज इक्वल टू 8, ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर पिन पे ही हमारा ये निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं और एक लगाता हूँ, यहाँ पर लगा के देखता हूँ, तो ये सॉरी ये कुछ और ही खुल रहा है, तो यहाँ Y निकल रहा है इस नंबर पिन पे। तो हमें देख लेते हैं ये कितना नंबर का पिन है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 नंबर पिन पे हमारा क्या निकल रहा है, Y निकल रहा है। तो हम Y इज इक्वल टू 13 कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 8 निकल चुका है, ठीक है, 8 की निकल चुका है, 1, 2, 3, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो 8 वायर है यहाँ पर निकल चुका है, और ड्रम का वायर भी निकल चुका है, मतलब ड्रम पर जो मतलब लाठी होगा उसका वायर भी, स्टिक का वायर भी निकल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 वायर को सोल्डर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोचोगे कि यार इतना मोटा मोटा वायर कहाँ से मिलेगा, या इतना पतला वायर, यार ये तो खरीदना पड़ेगा बहुत सारा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक CFL का ले रहा हूँ, पुराना CFL, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर हमें खुल लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये खुलोगे तो आप ऐसा कुछ दिखेगा, ये इससे हमारा क्या निकलेगा, ये वैसा वायर निकलेगा। तो हम इसी वायर का यूज़ करेंगे इसको सोल्डर करने में। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से 8 वायर को सोल्डर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 8 वायर पे, 8 पिन पे 8 वायर सोल्डर कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 8 पिन पे मैं 8 वायर को सोल्डर कर लिया हूँ, और ये सभी वायर को मैंने CFL से निकाला था। और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही वायर है जो मैंने साधारण वायर लगा दिया हूँ, ये मैंने चार्जर से निकाला हूँ, ठीक है, ये चार्जर की जो कॉर्ड है उससे मतलब निकाला हूँ। तो ये हमारा मोट मतलब सबको मिला के 9 वायर हुआ, ठीक है, इसको मिला के स्टिक का वायर को मिला के। तो अभी हम क्या करेंगे, पुराना जो मेरा मतलब पिछले वीडियो पे मैंने जो पैड बनाया था उस पैड को मैं ले लूँगा, और उस पर इस 8 वायर का सोल्डर करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी पिन पे कोई भी वायर को मतलब कहाँ पर भी सोल्डर कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में, ये आपको मतलब दिमाग में रहना पड़ेगा कि ये जो 8 वायर आप सोल्डर कर रहे हो ना, ये आपको वो अल्फाबेट का ही वायर होना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं जो मेरा तामा का जो मतलब कॉपर का मैंने जो फॉयल लगाया था उस पर मैं सोल्डर कर रहा हूँ एक एक करके सबको। तो यहाँ पर मैंने एक को किया, अभी कर रहा हूँ ये, तो मैं 8 को कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 8 पिन पे 8 वायर को मतलब कनेक्शन कर दिया हूँ, आप कोई भी कर देना, ठीक है, मेरा जैसा कोई भी कर देना। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक डबल टेप ले लिया हूँ, और डबल टेप को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और डबल टेप के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसका स्टिकर को हटा लेता हूँ पहले, और इसके ऊपर मैं इसको अच्छे से सर्किट को लगा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ, और अभी इसको ये ऐसा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कुछ ब्लैक टेप मतलब जो होता है टेप को लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, तो आप ऐसे लगा लेना। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बजता है। सबसे पहले उसके पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए जो स्टिक है स्टिक को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्टिक को बनाने के लिए 2 लकड़ी का यूज़ करूँगा, जो बांस का होता है तो बांस का लकड़ी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं अच्छे से एलुमिनियम का फॉयल को लपेट दूंगा, ताकि यहाँ पर ये वायर से करके ऐसे करके हम इसको बजा सके। तो चलिए फ्रेंड्स इसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर को ले लिया हूँ, आप कुछ भी टूले वगैरह मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं और नॉर्मल पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास टिश्यू पेपर था तो मैं टिश्यू पेपर को ले लिया, और इसको लेने के बाद आपको ऐसे करके इसको लगा देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऊपर है इस ऊपर को हमें मोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे लपट देना पड़ेगा। तो ये इसका हो गया, एक का हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी इसके ऊपर हम एलुमिनियम के फॉयल को लपेटेंगे, रुकिए दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ सेलो टेप को अच्छे से लगा देता हूँ, ताकि ये खुल ना जाए,
क्योंकि हमें तो लगाना पड़ेगा ना उसको, तो इसमें ऐसे लगा दे दो, ये अभी खुलेगा नहीं। तो अभी मैं थोड़ा एलुमिनियम फॉइल ले लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं पर एलुमिनियम का फॉइल को ले लेता हूँ, ठीक है थोड़ा, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो लकड़ी है इस लकड़ी को मैं ऐसे करके इसको लगा दूँगा, ठीक है, मोड़ के ऐसे अच्छे से इसको लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पूरा को कवर कर चुका हूँ, ठीक है, एलुमिनियम फॉइल से। तो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ब्लैक टेप लेके इसको ऊपर अच्छे से लपेट दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर इसको पहले लपेट देता हूँ, ये उल्टी तरफ से मैं कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया इधर का। तो अभी बीच में मैं थोड़ा दे दूँगा ऐसे करके ही, उल्टा तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं उल्टा दिख पर लपेटा हूँ इसको। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे करके लगा देना, यहाँ पर मैं थोड़ा दे दिया और यहाँ पर थोड़ा दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने दे दिया और मैं एकदम नीचे थोड़ा दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने ड्रम पैड के मतलब स्टिक के लिए जो वायर को निकाला था, उस वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस वायर को ले लिया हूँ जिसको मैंने स्टिक के लिए निकाला था, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब भी ऐसे करके सेम टू सेम मेरा जैसे ही करना, मैं जैसे सब कुछ कर रहा हूँ ऐसे ही करना, बहुत अच्छा काम करेगा देख लेना। तो मैं इसको लगा दिया फ्रेंड्स। अभी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक टेप मार दूंगा, ठीक है। तो मैं इस ब्लैक टेप को लगा देता हूँ, लग जाओ भाई लग जा रही है। तो ये लग गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके मैं एक स्टिक को बना लिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसे करके यहाँ पर भी और एक वायर को सोल्डर करूँगा एक ही जगह पे इस वायर के साथ, और इससे मैं दूसरे स्टिक को भी ऐसे बना के सोल्डर कर लूँगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रम पैड है मतलब ऑक्टा पैड एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर दोनों वायर यहाँ पर भी सोल्डर कर चुके हैं, मतलब जैसे एक को लगाया था वैसे ही एक ही तार से दोनों को मैंने लगा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ड्रम पैड रेडी हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा मोबाइल के साथ मोबाइल पे दोनों ऐप को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स आपका फ़ोन पे जाके फ़ोन पे सर्च करना, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रम मशीन, ठीक है। ये ड्रम मशीन आप देख सकते हैं, मैं सर्च कर चुका ड्रम मशीन ऐप। तो ये देख सकते हैं, ये ड्रम मशीन, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था तो इसलिए ये ओपन दिखा रहा है, ठीक है। इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और दूसरा जो है आपको ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्टोपास, ठीक है। ये ऑक्टोपास नाम का ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये ऑक्टोपास नाम का ऐप का देख सकते हैं ये कैसा है। तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फ़ोन के साथ OTG को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपका फ़ोन पर OTG होगा तो OTG को कनेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा आपको फ़ोन का सेटिंग को। तो सेटिंग ऑप्शन को मैं जाता हूँ वहाँ पर, फिर जाके आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना पड़ेगा, और एडिशनल सेटिंग पे जाके या OTG का ऑप्शन ऑफ रहेगा इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑफ कर देना, ऑन कर देना आप। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी ऑन कर देता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको OTG के साथ आपका ड्रम जो जिस आपको ऑक्टापैड को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर लिया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्टोपस ऐप को खोलना पड़ेगा। तो मैं जैसे खोल रहा हूँ आप ऐसे ही खोल लेना, तो मैं अभी खोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अलाउ चाहेगा तो अलाउ कर देना आप, ठीक है। तो फिर ये खुलेगा, खुलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप USB को कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट दिखाएगा, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर डिस्क मतलब कुछ भी नहीं कनेक्ट ऐसा दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसको नहीं कनेक्ट करके नहीं चला सकते, ठीक है। तो माई गेम्स पे मैं क्लिक करूँगा प्लस आइकॉन पे, और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को वो जो ड्रम मशीन जो जिस मैंने जिस ऐप को डाउनलोड किया ड्रम मशीन, इसको ऐड कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा इस ऐप से। तो अलाउ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो अलाउ पे जाके आपको यहाँ पर ऑक्टोपस को अलाउ कर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग अदर ऐप्स। तो यहाँ पर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बज रहा है, ठीक है, आई होप कि आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये डू नॉट शो अगेन, इस पर क्लिक करके आप ऐसा कर देना इसको, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर की पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आपको स्टिक को लेना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। स्टिक को लेने के बाद आपको यहाँ पर एक पहला वाला पे एक बार ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे लेके इसको ऐसे करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे लाके। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं मैं सभी की को सेट कर लिया हूं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं मैं सभी की को सेट कर लिया हूं। तो अभी मैं यहां पर ये टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा, तो ये हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसको फोन को रख दूंगा और मैं एक ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको साउंड जोर से सुनाई दे। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर ब्लूटूथ को ले लिया हूं, ब्लूटूथ स्पीकर जो है, तो मैं इसको अभी ऑन कर देता हूं। ब्लूटूथ मोड, तो आप सुन सकते हैं कि ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो मैं अभी इसको इस साइड पर रख दूंगा और यहाँ पर मोबाइल पे भी ब्लूटूथ को ऑन करके मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं भी कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको इसको भी दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। तो इसका नंबर है 8005, तो मैं इसको क्लिक करके अब ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको बैक कर दूँगा और अभी मैं इस फ़ोन को साइड पर रख दूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इसको साइड पर रख दिया और अभी मैं इस पैड को ले लूँगा, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करूँगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। काम कर रहा है ना फ्रेंड्स, मेरे को बजाना नहीं आता। मेरा शौक था कि इसको मैं बनाऊंगा, और मेरा एक भाई है छोटा, तो उसका भी बहुत शौक है, तो मैंने उसको लिए ही बनाया इसको, ठीक है। आपका घर पे भी छोटा बच्चा रहेगा तो आप बनाना, बहुत मजा आएगा उसको खेल के, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसा आ जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ऐसा आ रहा है, इसको क्लिक करूँगा ऐसा, और इसको पे ऐसा, इस पे ऐसा। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड्स ये, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार सुना कर दिखाता हूँ जितना भी आता है मेरे को। रुको यार, फ़ोन को उल्टा लगा दिया यार, क्या भाई। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।